हेलो हाय एवरीवन। देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर लिया था। इन द केस अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके पीछे जा सकते हो। तो चलो अपन देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अपन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से थोड़ा बहुत अपन उसे रिपीट करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक्चुअल क्या होता है कि आपका एक अप्लायंसेस, ये सपोज करो ये अपन का एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। अगर आपका एक अप्लायंसेस दूसरे अप्लायंसेस के फर्स्ट, आपके एक अप्लायंसेस के, देखो सारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर बेसिकली दो टर्मिनल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर दो वायर्स होती है। जो वायर हम हमारी बैटरी या हम हमारे आउटपुट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे ये बल्ब था, इसकी भी देखो दो वायर थी, एक ये हो गया जिसे अपन क्या कह देते हैं ए, दूसरे को क्या कहते हैं बी कहते हैं। अब देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपके फर्स्ट वाले कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा उसका एंड दूसरे अप्लायंसेस के फर्स्ट वाले टर्मिनल के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सपोज करो ये हमारे पास बल्ब है, इसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को अपन बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे टर्मिनल का जो एंड मतलब इसके इस वाली बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो दूसरे अपन के बल्ब के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो जाए। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और ये वाला एंड अपन फर्दर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के देखो कुछ प्रॉफिट्स भी है, कुछ लॉस भी है। ज्यादातर इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉस ही है। लॉस क्या है जनरली कि हमारे पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा देखो इसका लॉस क्या है कि अगर अपन का एक अप्लायंसेस क्या हो गया, खराब हो गया। जैसे सपोज करते हैं कि अपन का ए वाला अप्लायंसेस खराब हो गया तो क्या हो गया, तो बी और सी अपन के काम नहीं करेंगे। अब ये वाला भी काम नहीं करेगा, ये वाला भी काम नहीं करेगा। अब देखो खराब या दिक्कत कहाँ पे आई है, अपन के फर्स्ट अप्लायंसेस के अंदर आई है, मगर अपन का सेकंड और थर्ड वाला अप्लायंसेस भी काम नहीं कर रहा है। रीजन क्या कि जो आपकी करंट है वो आगे पास हो ही नहीं रही है। इसके अंदर दिक्कत आने के कारण आगे करंट नहीं पास होगी तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल सर्किट काम कैसे करेगा। अब देखो अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, जैसे अगर अपन के दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स हो, अगर अपन उन सब रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करें कि उनका जो टर्मिनल्स होते हैं, सपोज करो ये अपन का फर्स्ट रेजिस्टर है, ये अपन का सेकेंड रेजिस्टर है और एक थर्ड रेजिस्टर है, इनके जो टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल होंगे, एक देखो फर्स्ट टर्मिनल, दूसरा क्या होगा सेकेंड टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट हमारी बैटरी के साथ कनेक्टेड हो जाए, सेकंड टर्मिनल भी एक कॉमन पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्टेड हो जाए, उस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अपन का रजिस्टर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखो इसका एंड देखो, अगर अपन इस एंड को ए कहते हैं, दूसरे एंड को क्या कहते हैं, बी एंड कहते हैं, तो इसको भी अपन ए कहेंगे, इसको भी ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको बी कहेंगे। तो सारे रजिस्टर का जो कॉमन एंड होता है, फर्स्ट एंड होते हैं, वो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड दूसरी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और वो पॉइंट डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, हमारी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे रेजिस्टर्स डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, हमारी बैटरी या हमारे आउटपुट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले देखो इसका प्रॉफिट ये होगा, इन द केस अगर अपन का फर्स्ट अप्लायंसेस काम ना करे, जैसे अगर अपन इसे वन कहते हैं, इसको टू कहते हैं, इसको थ्री कहते हैं, अगर अपन के फर्स्ट अप्लायंसेस के अंदर दिक्कत आ जाती है और ये काम करना छोड़ देता है, तो इस कंडीशन के अंदर जो अपन की करंट होगी वो करंट देखो फर्स्ट वाले अप्लायंसेस में नहीं जाएगी, मगर दूसरे अप्लायंसेस के अंदर फिर भी जाएगी, थर्ड वाले में भी जाएगी। तो अपन के दो वाले रेजिस्टर्स अभी भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। अभी हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चेंजिंग है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, और ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा अगर अपन किसी रेजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी पूरे सर्किट के अंदर, यहाँ पर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। देखो वोल्टेज को अपन किसी भी दो पोटेंशियल ड्रॉप के बीच में फाइंड कर सकते हैं, दो टर्मिनल के बीच में, और यहाँ पे अगर अपन वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वोल्टेज क्या आएगा, कॉमन आएगा। अगर आप चाहे R1 का वोल्टेज फाइंड करना चाहो, R2 का या R3 का, वोल्टेज क्या आएगा, कॉमन आएगा। मगर यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आपके सर्किट के अंदर I करंट है और जैसे ही वो तीन फर्दर किसी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है तो वो तीनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अगर आप फर्दर तीनों करंट की वैल्यू को एड करोगे तो आपकी फिर से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I आ जाएगी।
तो ये चीज अपन को क्या बताती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो सेम रहता है, मगर करंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कि अपन की जितनी ब्रांचेस बनी होंगी या जितने अपन के रेजिस्टर्स लगे होंगे उन सारी पार्ट्स के अंदर चेंज मतलब डिवाइड हो जाएगी। डिपेंड करता है कि हर पार्ट के अंदर कितनी रेजिस्टर्स आपका कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे अपन के 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो अपन की आई की वैल्यू 3 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब देखो फर्दर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या फाइंड करना चाहेंगे, देखो वी तो कॉन्स्टेंट है तो अपन को मसला नहीं, R1, R2, R3 की वैल्यू अपन को पता होगी, मगर करंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो अपन फाइंड करना चाहेंगे। कहां से निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल्स टू आई आर, ये हमारी ओम्स लॉ की इक्वेशन है। मगर यहाँ पर अगर पूरे सर्किट का अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वी है और टोटल करंट आई है, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम आर नहीं आर पी कहेंगे। आर पी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके अपन ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर पी। तो आई की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो जाएगी, देखो तो यहाँ पे आर पी आई के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन आर पी के इक्वल हो जाएगा। आर पी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखिए अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I1, I2, I3 की वैल्यू मतलब I की वैल्यू अगर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअली या ईच रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ फाइंड लगाएंगे। अगर देखो इसका भी वोल्टेज क्या आ रहा है, वी आ रहा है, इसका भी वोल्टेज वी आ रहा है, इसका भी वोल्टेज वी आ रहा है, मगर अभी हम थोड़े वक्त के लिए तीनों के वोल्टेज को क्या सपोज करते हैं, V1, V2 और V3 सपोज करते हैं। मगर हमें पता है तीनों वोल्टेज इक्वल ही है, अपन के इक्वेशन के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो तो अपन करते हैं। तो अपन का V1 किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इस रेजिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 R1 के इक्वल हो जाएगा। इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल करंट पास होगी और इसका रेजिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन के आपको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। सेम तरीके से V2 किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इस सेकंड रेजिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, I2 और R2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो हमने लिख दिया I2 R2। और V3 थर्ड रेजिस्टर का वोल्टेज किसके इक्वल होगा, I3 R3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, तीनों के वोल्टेज को अपन ने निकाले, मगर अपन को वोल्टेज तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है वोल्टेज तीनों के अंदर कॉमन है, हमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए। तो मगर करंट की वैल्यू के लिए अपन को ओम्स लॉ की इक्वेशन चाहिए थी, इस वजह से अपन ने वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी इसी इक्वेशन के अंदर अपन I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो I1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है तो वहां डिवाइड हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू V3 अपॉन R3 के इक्वल हो जाएगा। फर्दर देखो हम ये कह रहे हैं कि तीनों के अंदर जो वोल्टेज है वो कॉमन वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू आपकी चेंज नहीं है, एक ही आएगी, जो अपन क्या सपोज करते हैं, वी सपोज करते हैं। तो तीनों के अंदर V1, V2, V3 लगते हैं, लिखते हैं यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर वोल्टेज क्या है, कॉमन है। तो अपन वी अपॉन R1, वी अपॉन R2, वी अपॉन R3 करेंगे। अब देखो हमने ये कहा कि जो आपकी टोटल करंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 3 पार्ट्स के अंदर जितने पार्ट्स होंगे। फर्दर अगर आप इन को ऐड करोगे तो आपके टोटल करंट की वैल्यू के इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट होती है वो इंडिविजुअल करंट की एडिशन के इक्वल होती है। तो हम ये लिखते हैं आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो आपकी चीजें चेंजिंग होती है या चेंज जो होती है सर्किट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेरिवेशन होती है। अब देखो हमने आई की वैल्यू क्या फाइंड की है, जहां पे आई की वैल्यू फाइंड की है वी अपॉन आर पी, तो अपन आई की जगह क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर पी। आई वन की वैल्यू क्या फाइंड की है, आई वन की वैल्यू हमने फाइंड की है वी अपॉन आर वन, तो क्या लिख देंगे, आई वन की जगह वी अपॉन आर वन। आई टू की वैल्यू क्या फाइंड की अपन ने, वी अपॉन आर टू, तो क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर टू लिख देंगे। आई थ्री की वैल्यू क्या फाइंड की है, वी अपॉन आर थ्री फाइंड कर दिए। अब यहाँ पे देखो इस तरफ तीनों के अंदर V कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या कर लेते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर देखो V को अगर अपन कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 1/R1, इसके अंदर 1/R2, इसके अंदर 1/R3। अब यहाँ पे देखो V कॉमन है, यहाँ पे भी V कॉमन है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो V V से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आंसर क्या बचेगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही हमारी क्या है, ओम्स, यही हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। कि देखो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो पूरे सर्किट का डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद में ऐड हो रहा है। जब भी चीजें 1 से डिवाइड होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, मगर उसका आंसर क्या आएगा, छोटा ही आएगा। ये सपोज करो अगर अपन 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा अपन का, 0.1 आएगा। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है।
तो इसी वजह से या यही रीजन होता है कि हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वायरिंग की होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर की जाती है। दो इसके रीजन होते हैं, दो इसके प्रॉफिट होते हैं। एक तो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। दूसरा क्या होगा, दूसरी बेसिकली इसका प्रॉफिट ये होता है कि इन द केस अगर हमारे किसी भी अप्लायंसेस के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो हमारा पूरा सर्किट खराब नहीं होगा, सिर्फ वो अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। देखो जैसे आपके रूम के अंदर या आपके क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी कि फैन चलते चलते बंद हो जाता है, ट्यूबलाइट चलते चलते खराब हो जाती है। तो एक देखो आपका डिवाइस खराब होता है, जैसे अगर ट्यूबलाइट खराब हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि फैन भी खराब हो जाएगा, फैन चलता रहेगा। तो ये चीज क्या बताती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एक सर्किट खराब होता है, जैसे सपोज करो अपन का ये R1 क्या था, R1 अपन की थी ट्यूबलाइट, R2 क्या था अपन का, R2 अपन का फैन है। अगर ट्यूबलाइट खराब हो गई इसका मतलब ये नहीं कि फैन खराब हो जाएगा, अपन का फैन काम करेगा अच्छे तरीके, सिर्फ आपकी ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इन द केस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर 1 पे आपकी ट्यूबलाइट लगी होती है, 2 के ऊपर आपका फैन लगा होता है, अगर आपकी ट्यूबलाइट खराब हो जाती तो फैन काम करता ही नहीं। रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट आगे पास होती नहीं, इसी के कारण आपका दूसरा वाला भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं करता। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस होते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसी वजह से हम हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एक अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो सारे के सारे अप्लायंसेस काम करना छोड़ देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एक अप्लायंसेस खराब हो जाता है मगर सारे अपन के अप्लायंसेस काम करना छोड़ेंगे नहीं, अपन का इलेक्ट्रिकल सर्किट फिर भी वर्किंग कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अगर सपोज करो देखो एग्जाम के अंदर ये बोले कि अगर अपन ने आपने तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस को सपोज करके सोल्व किया है, अगर अपन 3 रेजिस्टेंस की जगह 5 रख दे, 10 रख दे, 1000 रेजिस्टेंस रख दे, मतलब एंड रख दे, कोई भी नंबर रख दे, उस कंडीशन के अंदर आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की रिजल्ट क्या निकलेगी? तो देखो वहां पे अपन क्या करेंगे, अगर अपन के रेजिस्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर इक्वल्स टू एन आर, एन का मतलब पॉजिटिव कोई भी नंबर, मतलब 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 upon RP = 1 upon R + 1 upon R1 R2 + 1 upon R3, जितने भी होंगे उसको आपको सारे के सारे क्या करने हैं, एड करने हैं, तब तक जब तक आपके सारे के सारे रिजल्ट इक्वल ना हो जाए। फर्दर आपको एक और कंडीशन दी जाए कि सारे के सारे रेजिस्टर्स इक्वल क्वांटिटी के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3, मतलब जो भी अपन के रेजिस्टर्स लगे होंगे सबकी वैल्यू क्या होगी, सारी की वैल्यू कॉन्स्टेंट या एक की वैल्यू होगी। उस कंडीशन के अंदर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 upon RP = या अगर आप इसको पूरे के पूरे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, RP = R/N के इक्वल हो जाएगा। तो सारे के सारे रेजिस्टर्स को आपको एन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये चीज अपन को क्या बताती है, ये चीज सिंपली अपन को ये बता रही है कि आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब अपन ने रेजिस्टर की वैल्यू एन ले ली थी तो अपन का फाइनल रिजल्ट क्या आया था, RS = NR, एन का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। सपोज करो अगर मैं R की वैल्यू क्या लेता हूँ, R की मतलब रेजिस्टर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ और N की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, तो इस कंडीशन के अंदर देखो दोनों की रेजिस्टर की, दोनों RS की अपन का अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का N कितना है अपन का 2, R कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 6 ओम, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस अपन का कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन का क्या आ जाएगा, RP की क्या है, R/N, तो 3/2 आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 पीछे अपन यूनिट क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज अपन को समझनी पड़ेगी, अगर अपन के दो रेजिस्टर है जिनों मैग्नीट्यूड कितना है 3 ओम का है, अगर दोनों को अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाता है, अगर दोनों को पैरेलल में करते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस 1.5 ओम हो जाता है, मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस अपन का इंक्रीज हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अपन की डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। इन द केस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।